प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। शासन की जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जब हम लोग पूरा संविधान पढ़ लेंगे, जब संविधान समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग ये जान पाएंगे कि वास्तव में जो पूरी शक्ति होती है ना किसके हाथ में, क्यों देश का में कहा जाता है कि हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग का जो शब्द है वो हम लोग पूरे संविधान समाप्त होने के बाद पढ़ लेंगे और ये भी जान लेंगे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति किसकी भूमिका सर्वोपरि होता है। कई बार लगता है प्रधानमंत्री महान है, कई बार लगता है हमारे यहाँ न्यायपालिका महान है, लेकिन हम उन टॉपिकों को तब पढ़ेंगे जब हम उस तथ्य को पढ़ेंगे, जब उस टॉपिक तक हम लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 75(a) क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। जब भी हम बात करते हैं, हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, सभी लोग जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी ध्यान से इसको समझिएगा और हल करने का प्रयास करिएगा कि अनुच्छेद 75(a) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। एक विशेष बात हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, एक सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री की क्या होता है। तो एकदम रट लीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, एकदम यहां पर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फिर सभी साथी से याद रखेंगे, सभी लोग, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे और याद करके रखेंगे, ठीक है। तो हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इस तथ्य को और आगे लेकर चलें, ठीक है। अब जब हमने यह पढ़ लिया, जब हमने आपने ये जान लिया कि प्रधानमंत्री की, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति होती है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75(a) कहता है। मैंने आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 75(a) क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। एक बात और जान लीजिएगा कि लोकसभा के निर्वाचन के बाद, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल क्या होता है यह भी समझिएगा, माने आधे से जो अधिक सीट प्राप्त करता है उसे हम बहुमत मानते हैं। कई बार क्या होती है, गठबंधन की भी सरकार होती है। तो राष्ट्रपति, देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रधानमंत्री पढ़ा रहा हूं तो साथ ही साथ आप लोग मुख्यमंत्री भी समझते चलिएगा। मुख्यमंत्री, इसकी जो थियरी होगी वो मुख्यमंत्री की थियरी, अनुच्छेद अलग होगा, लेकिन जो इसकी थियरी है ना वो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मैच करती है, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ। तो इसी तरह राज्यों में भी होता है, माने जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, राज्य में राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री और केंद्र में राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे आपके मन में समझ में आ गया है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब जब गठबंधन की सरकार होती है उस दौरान, जब हम इसकी थ्योरी को खत्म करने के बाद हम इसके और टॉपिक पढ़ाएंगे, तब हम इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। उसे क्या होता है, नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वे प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने, उनका भी नाम यहाँ पे है, लेकिन हमें जानेंगे कि आप लोग कुछ इसके जो कंडीशन है उसको भी जानिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति विवेकी नहीं है। एक बात पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति क्या क्या है, तो क्या आप कह सकते हैं, प्रश्न आ सकता है कि क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। कमेंट करके जवाब दीजिए, क्योंकि थ्योरी का सेशन है, एमसीक्यू की सीरीज नहीं है। यहां से पढ़ने के बाद एमसीक्यू किसी भी किताब से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। इस थ्योरी की क्लास में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कि अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है, जी नहीं, राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मतलब जो बहुमत जिस व्यक्ति को अपना नेता मानेगी, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम अगर आपको देखें, मान लीजिए कि अगर कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में ए और बी दो पार्टियां हैं, पार्टी ए गठबंधन के साथ साथ, माने पार्टी ए गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, यहां पर यह प्रधानमंत्री क को बनाना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति चाहता है ख को बनाए, राष्ट्रपति चाहता है हम ख को प्रधानमंत्री की शपथ दे, लेकिन जो गठबंधन है, जो बहुमत है, वो बहुमत चाहता है कि क को, बहुमत चाहता है क को और राष्ट्रपति चाहता है ख को। तो बताइए कौन इसमें
प्रधानमंत्री बनेगा। तो याद रखिएगा, जो बहुमत दल का नेता होगा क, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का शपथ दिलाएगा, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। किंतु अस्पष्ट बहुमत ना होने पर यह ना होता है कि कौन नेता है, उस दशा में राष्ट्रपति स्वीय की शक्ति का प्रयोग करेगा। उसके लिए भी टर्म्स और कंडीशन है, जब हम इसके और डीप सेशन लेकर आएंगे, मतलब जिसके और अंतर्गत इसके अध्ययन को और बढ़ाएंगे, तब हम वापस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाने और समझाने का प्रयास करेंगे। आगे अगर हम देखें तो एक बात और जानिएगा, यदि किसी एक दल को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाता है जिसे दो या अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने की संभावना होती है। जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो जिनके पास एक या दो दल का समर्थन मिला होता है या उनकी नजर में जो लगता है कि यह सरकार बनाने के योग्य है, इनके पास बहुमत है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देता है। केंद्र में राज्य की अगर हम बात करें तो राज्यपाल ऐसे पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता सौंपता है। जो इस प्रकार के समर्थन से लोकसभा में जरूरी बहुमत साबित करता और उन्हें सरकार बनाने के बाद लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। एक सवाल आता है, मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो को अपने सभी साथी सभी मित्रों को शेयर करिएगा। मेरा सवाल आपके सामने है कि यदि कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अपना बहुमत कहां पे साबित करेगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके इस टॉपिक का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैं चाहूंगा आप लोग जरूर बताएं, प्रधानमंत्री पद की अर्हताएं भी होती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी 1966, एचडी देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी ज्यादातर मतलब जो भी प्रधानमंत्री थे वो क्या हुए थे, वो लोकसभा के सदस्य थे। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कई बार एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, प्रधानमंत्री कितनी बार शपथ लेता है? जरा कमेंट करके बताइएगा कितनी बार शपथ लेता है, जरा कमेंट करके सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी साथी हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि प्रधानमंत्री कितनी बार शपथ लेता है। सभी साथी कमेंट करिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी साथी इस वीडियो में बने वे सभी साथी सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं साथ में प्रश्न भी आपको बताता चल रहा हूं। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुतों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। चलिए हम इसी के साथ इस सेशन को और आगे लेके चलते हैं। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, सभी लोगों ने एकदम बढ़िया जवाब दिया है। हाँ, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए, मैं भी शेयर कर रहा हूं ताकि लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, आप सभी के लिए। अब हमने यहां पे देखा कि प्रधानमंत्री एक तो पद की शपथ लेता है और दूसरा गोपनीयता की। तो ये परीक्षा में कई बार सवाल आता है कि सर कितनी बार लेता है, तो यहां पे एकदम रट लीजिएगा कि दो बार, एक बार पद की, दूसरी बार गोपनीयता की। एक ही बार में लेता, ऐसा नहीं कि उसका अलग अलग प्रावधान है, उसी में वो जिक्र करता है दो बार। तो इस बात को भली भांति जानते रहेगा, इस बात को भली भांति आप लोग रट भी लीजिएगा, क्योंकि आप लोग से गलती ना होने पर इस बात की हम पूरी पूरी उम्मीद भी करते हैं। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं एक नए से एक टॉपिक की तरफ। अगला है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्क्रीनशॉट करते चलेगा पूरे नोट्स की। मैं बार बार आपसे कहूंगा जहां जरूरत पड़े आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान कार्य करता है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहे कभी बर्खास्त कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, वो पूरे भली भांति इस टॉपिक को समझ लें। जैसे राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, माने राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को बर्खास्त कर सकता है, किंतु क्या प्रधानमंत्री को भी वो बर्खास्त कर सकता है? जी नहीं। इस बात को एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा कि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। जब
उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव हो या वो बहुमत में ना हो या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, कई शर्तें आगे मैं इस बात पर जिक्र करूंगा और आगे मैं इस बात पर पूरी चीजों को स्पष्ट करूंगा। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो दे। मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति ऐसा तभी करेगा जब क्या होगा, राष्ट्रपति ऐसा तब करेगा जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो दिया हो। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ें और इस टॉपिक को अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें, क्योंकि जहां भी आपको लगे जरूरत पड़े, जहां भी आपको लगेगा कि नहीं यहां पर आप कर सकते हैं, तब वहां पर आप इन टॉपिकों को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हम इसी सेशन को आगे लेकर चलते हैं आपके साथ, देखते हैं आगे क्या क्या कड़ियां आपको मिलती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। मेरा एक सवाल है आप सभी से कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, आप लोग को पता हो गया, क्या उसके पहले भी उसका कार्यकाल कम हो सकता है? एक तो वो त्यागपत्र दे दे, दूसरी उसकी डेथ हो जाए, दो कंडीशन हो गया, त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा कॉमेंट करके जवाब दीजिएगा। दूसरा क्या है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा, उसके अलावा क्या कमेंट कर बताइएगा। ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। एक बात को ध्यान समझिएगा और कहीं अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख भी लीजिएगा, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है, समझ लीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद बर्खास्त होता है, एकदम रट लीजिएगा, एकदम जान लीजिएगा। मतलब अगर कप्तान को कोई दिक्कत हुई तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग, अगर सरकार गिर गई तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो गया, तो एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यह परीक्षा में सवाल घुमा घुमा कर पूछता है, मैं प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगा जो पूरी थ्योरी आपको पढ़ा लूंगा, इसलिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे एकदम भली भांति इन चीजों को जान ले, पढ़ ले, समझ ले। प्रधानमंत्री पद की अर्हताएं भी होती हैं, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा, यहां पे मैं चाहूंगा लिख लो, प्रधानमंत्री पद की अर्हता कोई बता सकता क्या क्या है? प्रधानमंत्री पद की अर्हताएं, पद की अर्हता बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्हताएं क्या क्या होती है, जितने लोग लाइव है ना वो कमेंट करके हमें जवाब दें कि प्रधानमंत्री क्या क्या अर्हताएं होती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री योग्यता के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। अगर उम्र की बात करें तो इसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या है जरा बताइए, न्यूनतम उम्र सीमा जो प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, अगर न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो आपके मन में 2 सवाल आते हैं। एक आता है अगर वो लोकसभा का सदस्य है, दूसरा वो राज्यसभा का सदस्य है। इस दशा में लोकसभा का सदस्य है तो यहां पर इसके लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का है तो 30 वर्ष। अब जरा मुझे कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद की न्यूनतम उम्र सीमा आपके हिसाब से क्या होगी या मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी, सभी लोग जवाब देंगे। देखिए कुछ बातें और भी जान लीजिएगा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए आवश्यक है कि नेता लोकसभा का सदस्य हो, इसलिए प्रधानमंत्री को साधारणतः लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा सदस्यता या राज्यसभा सदस्यता लेना भी अनिवार्य होता है। माने प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे है कि अगर कोई व्यक्ति न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, क्या वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, कमेंट करके जवाब दीजिए। तो यहां पे अगर न्यूनतम उम्र सीमा की अगर हम बात करें, क्या मेरी आवाज आप लोग तक नहीं जा रही क्या? अगर जा रही है तो कमेंट करके बताइए, सवालों के जवाब दीजिए, आप लोग तो मूक बने हुए हैं, बताइए जवाब दीजिए। अब यहां पे एकदम ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, 25 वर्ष माने न्यूनतम अगर उम्र सीमा की बात करेगा प्रधानमंत्री बनने की उम्र सीमा है 25 वर्ष, मुख्यमंत्री की बात करेगा तो 25 वर्ष। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद या मंत्री बनने के लिए, ये मंत्री बनने के लिए सेम प्रश्न है, अगर वह मंत्रिपरिषद का भी सदस्य बनता है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा माने संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसका जो सदस्यता है या प्रधानमंत्री है वो बर्खास्त या
स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट? किसी के मन में कोई सवाल हो, माने प्रधानमंत्री की लोकसभा सदस्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अनिवार्य है। और 6 माह के अंदर चाहे लोकसभा का मतलब मंत्रिपरिषद हो का कोई सदस्य हो या स्वयं प्रधानमंत्री हो, एकदम याद रखेगा। अभी बात मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है, यहां पे 5 वर्ष हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री की जो पदावधि है क्या है। तो जो पदावधि है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की जो पदावधि है, एक लाइन में यहां पे दे रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। प्रधानमंत्री की पदावधि, प्रधानमंत्री की पदावधि, प्रधानमंत्री की जो पदावधि है ये किस अनुच्छेद में, जरा कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद, अभी मैंने कुछ दिन पहले पे प्रैक्टिस सेट मैंने पढ़ाया हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या अनुच्छेद 75-2 होगा, अनुच्छेद 75-2। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 75-2 में प्रधानमंत्री की पदावधि की बात कही गई है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री की पदावधि, तो सामान्यतः जो प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के अगले चुनाव के बाद मंत्रिमंडल गठन तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है, लेकिन उससे पहले भी वह अपना त्याग पत्र दे सकता है। समानता अगर हम बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। समानता अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण भी प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है, या राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो इस दशा में जब भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जाएगा तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, यह बात याद रखिएगा। अगर किसी मुख्यमंत्री को राज्यपाल उसके पद से हटाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कई बार यहां पर पूछा जाता है और कई बार यहां से सवाल आ भी चुका है। ठीक है, फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछा जा सकता है। अब हम इसी के साथ और आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल यहां पर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग डेली क्लास के लिए जितने भी लोग हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के और ई लर्निंग विद दुर्गेश, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में, राष्ट्रित में। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, ये अंतरिम थे। ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारीलाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह महाराव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराइल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये 2014 से लेकर अब तक। तो इस सेशन को याद करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हम और आगे चलते हैं, इनके सबके बारे में पढ़ेंगे, इन सबकी क्या क्या खासियत रही है, लेकिन हम उसके लिए अलग और सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब हम इसी के साथ और आगे चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज प्रधानमंत्री के शक्तियों के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या चीजें होती, शायद आगे है मैं इस पर ही। ठीक है, मैं यहां पे आपसे बात करता हूं कि प्रधानमंत्री की कुछ कार्यकारी शक्ति है। प्रधानमंत्री हमारे देश के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर देखा जाए देश की शासन व्यवस्था की जो बागडोर होती है ना, वो प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। देश की रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, शासन व्यवस्था की बात हो, अहम नीतिगत फैसले अगर हो, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण हो, विदेश नीति हो और राष्ट्र की नीति का निर्धारण, इन सभी का जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री ही होता है, निभाता है। देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर, जो संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनकी नियुक्तियों से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करना,
उनके कार्यों और उनके जिम्मेदारियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। फिर भी कई बार लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री के, ठीक है, पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के और कार्य क्या है, उनका अधिकार क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्रियों की कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियां माने प्रधानमंत्री कार्य और अधिकार। तो प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता, संसद के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये तो आप जान लेते गए, शुरू में ही हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर हम आपको बात करें आगे, तो वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है। इसे किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये कौन निर्धारित करता है, ये प्रधानमंत्री। इस कार्यों से लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, मतलब वो जिसे चाहे जो भी मंत्रालय दे दे। आवश्यकता अनुसार अगर हम बात करें तो किसी भी मंत्री के इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, मतलब जब लगता है नहीं यार इसका मंत्रालय चेंज करना है, या जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह इस्तीफा देने की बात भी कर सकता है। यदि उसके चाहने पर कोई भी मंत्री त्याग पत्र न दे, कई बार होगा अगर प्रधानमंत्री कहे कि भैया आपको ये मंत्रालय नहीं देना चाहते, आप त्याग पत्र दे, और वह व्यक्ति त्याग पत्र ना दे, तब तो प्रधानमंत्री वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। याद रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपनी मंत्रिपरिषद को गठन करके फिर से नए मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है, भंग करके नई मंत्रिपरिषद को बना सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता करता है, कैप्टन है, कप्तान होता है, और मंत्रिपरिषद के कार्यों के निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका पूरा दखल होता है। जैसे क्रिकेट का कप्तान होता है, कौन गेंदबाजी करे, कौन बल्लेबाजी करे, कौन किस क्रम में जाएगा, उसको कैसे खेलना है, कैसे गेंद फेंकनी है, जिस तरह से होता है, सेम वही काम मंत्रिपरिषदों के बीच में प्रधानमंत्री का होता है। क्या आप लोग को पता है? पता तो सबको है, फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मतलब राष्ट्र की नीतियों का जो निर्धारण है ना, प्रधानमंत्री करता है। यही कारण है उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है। जैसे लोग कहते हैं नेहरू सरकार, इंदिरा की सरकार, मोदी की सरकार, मनमोहन की सरकार, तो इसलिए जो राष्ट्र की नीतियां होती है ना, उसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। और यही कारण है कि लोग उस व्यक्ति के नाम से सरकार को बुलाते हैं। सुना है आपने, नेहरू की सरकार, इंदिरा की सरकार, मोदी की सरकार, मनमोहन की सरकार, सुना है आप लोगों ने ये सेंटेंस, तो इसीलिए है। तो यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है या उचित दिशा निर्देश भी देता है। प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करते हैं, यह बात याद रखिएगा। माने जो प्रमुख नियुक्तियां होती, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयोग, इन सबकी नियुक्तियां तो राष्ट्रपति करता है, किंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह बात एकदम पूरे मन में बैठा लीजिएगा और इस बात को जानते रहिएगा। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकदम रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष, यह भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मतलब जब प्रधानमंत्री अपना पद से त्यागपत्र देगा तो इसका मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे दिया। और अभी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार रहता है। वह देश के आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण भी करता है। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है।
आपात प्रबंधों का। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी विघटित करके नए निर्वाचन की आज्ञा भी जारी कर सकता है। माने लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पहले भी भंग करके नए लोकसभा के गठन की, लोकसभा के चुनाव की घोषणा आज्ञा भी जारी कर सकता है। रट लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का ट्रेंड है वो कूट वाले सवालों का है, मिलान करने वाले सवाल का है, क्या सही नहीं है वाले है, इसलिए ऐसे ट्रेंड में टॉपिक को पढ़ते चलना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताइए, आगे चले, स्क्रीनशॉट कर लिया आपने? राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति के संदर्भ की बात करें तो अनुच्छेद 78 एक अनुच्छेद है, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 78। माने राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, माने संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित मामले मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों से राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जो सूचना है उसे प्रस्तुत करेंगे। माने संघ के प्रशासन और विधान परिषद से, विधान से संबंधित, विधान परिषद नहीं, विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करने जिसकी राष्ट्रपति मांग करे, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। माने किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री से विनिश्चय कर दिया जाए किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है राष्ट्रपति के सामने। माने प्रधानमंत्री की सलाह परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, ये मैंने ऊपर बताया था। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कराते हैं, महानियंत्रक के परीक्षक की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देकर, माने नियुक्तियां तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन जो परामर्श और सलाह है वो प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उनके सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्य, ये सब इंपॉर्टेंट है कि नियुक्तियां तो राष्ट्रपति करता है लेकिन किसकी परामर्श और सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। एक और टॉपिक है, मैं चाहूंगा इसके बारे में आपको बताना, मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या है। माने मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को बताता है, राष्ट्रपति को उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो, और किसी को नहीं बना सकता। यह निश्चित करता है किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और उस विभाग को बदलने, फेरबदल करने का भी काम केवल प्रधानमंत्री का है। वह मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने, उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देते हैं। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। वह अपने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की भी सलाह दे सकता है। एक बात थोड़ा सा समझिएगा, मैंने कई बार बताया और आपको साथ समझ में आया हो, माने यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाती है। एकदम याद रख लीजिएगा, दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो कोई मंत्री काम नहीं कर सकता, वो भी विघटित। जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो जिनको जो मंत्रालय देगा वो उस मंत्रालय को संभालेगा, हो सकता है उन्हीं को दोबारा मंत्रालय मिल जाए या मंत्रालय बदल जाए, तो उसके विवेक पर निर्भर करता है। अगर बात करें नियुक्ति के संबंध में, हम लोगों ने देखा भारत के महान न्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्य, इन सबकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अधिकार, संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के अधिकार, तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। निचले सदन जानते हैं,
लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे निचला सदन भी कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, निम्न सदन का अर्थात लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति को सत्राहूत करने और सत्रावसान करने संबंधित परामर्श प्रधानमंत्री देता है। वह लोकसभा किसी भी समय विघटित करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की भी घोषणा करता है। तो इन चीजों को पढ़ लीजिएगा कि लोकसभा विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। यहां तक जरा कमेंट कर बताइए कि सबको समझ में आ गया। अगर प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ये मैंने ऊपर बताया। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है आपदा प्रबंधन। एकदम चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है, वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में उसकी प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। यही पर मैं एक छोटा टॉपिक में बात करूंगा, मैं चाहूंगा अगर आप चाहें तो लिख लें। एक टॉपिक होता है उप प्रधानमंत्री, एक छोटा टॉपिक है, हम चाहेंगे इस टॉपिक को आपके साथ साझा करना पढ़ना। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बात समझिएगा, उप प्रधानमंत्री का कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद की व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हो गए, 7 उप प्रधानमंत्री भारत के हो चुके हैं। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मैंने पहली बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन पहली लोकसभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जहां पर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे। वह 1947 से लेकर 1950 तक इस पद पर बने रहे। अगर पहली बार देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को भारत का दूसरा उप प्रधानमंत्री बनाया था। फिर 1977 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है तो चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री बनाए गए। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। उप मुख्यमंत्री भी आपने देखा होगा,
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्व का निर्वहन कर सकता है जितना प्रधानमंत्री चाहता है। अब एक शब्द आपके मन में आएगा कि हम लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पढ़ा था, क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी होता है? क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी होते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप। भारत के संवैधानिक परंपरा में यह प्रावधान, यदि भारत के प्रधानमंत्री उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो नया प्रधानमंत्री चुना जाना तत्काल संभव न हो तो कार्यवाहक अथवा अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि नया प्रधानमंत्री विधिक रूप से नियुक्ति नहीं कर दिया जाता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। भारत रत्न से सम्मानित गुलजारीलाल नंदा एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पद पर दो बार नियुक्त हुए। माने गुलजारीलाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस तथ्य को ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद जवाब। कुछ ऐसे तथ्य जो आपको जानना पड़ना चाहिए। भारत के तीन प्रधानमंत्री ऐसे थे, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रधानमंत्रियों के चार्ट में, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होती है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और तीसरे व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। गुलजारीलाल नंदा आपने देखा होगा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, वहीं मोरारजी देसाई सर्वाधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री बने और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। किंतु भारत के पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, क्योंकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में उन्होंने अलग से पार्टी जनता दल की सरकार के रूप में बने, लेकिन वो पूर्ण रूप से कांग्रेसी नहीं थे, मतलब कांग्रेसी थे, पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी थे। वीपी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बने, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वृद्ध लाया गया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हम इसके थ्योरी का ही पूरा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूरा थ्योरी हमारी क्लास की पढ़े रहेंगे एमसीक्यू के सेशन को और अच्छे से कर पाएंगे। अब यहीं से एक नया टॉपिक आपका शुरू होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद। अगर अनुच्छेद 53 की बात करें तो यह कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। यह हम लोगों ने पढ़ा है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के तीन बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगर मैं बात करूं इनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों की, 74,
75 77 मतलब ये मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ, मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगर देखा जाए तो मंत्री चार प्रकार के होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अगर देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और यहां पर देखा जाए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें भी दो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह हूबहू लाइन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं शायद आपको पता भी हो, शायद सबको पता ही है बात। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जिनकी सहायता सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद देगी। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी ऐसी सलाह पर साधारणतः या पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति में से पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। कई बार अगर कोई सलाह दिया गया तो मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह दिया तो राष्ट्रपति कहेगा एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, और अगर मंत्रिपरिषद ने वही सलाह या संशोधित करके सलाह दोबारा दी तो राष्ट्रपति उसके मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति कोई सलाह दी और नहीं दी, और दी तो क्या दी। इस प्रश्न की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी, ठीक है। माने राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह पर साधारणतया अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति से पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे शामिल किया गया, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्री ने राष्ट्रपति कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के अनुसार माने प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, माने 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 75% से ज्यादा नहीं होगा। यह कहां लिखा गया है? यह 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। अगर दल बदल पर अयोग्य घोषित सदस्य अगर कोई है और मंत्री पद अगर उसका है तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। अनुच्छेद 75(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा में जिसका बहुमत ही नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद कहां से होगा? ऐसा कोई व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का है, मैं जो संसद का सदस्य नहीं है, किंतु ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। मंत्रियों को जो वेतन भत्ते होते हैं ये
संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब है संविधान के में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। माने संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पद अध्यक्ष भी होता है। इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो, इसकी पीडीएफ आप ई लर्निंग विद दुर्गेस के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जो आप प्ले स्टोर पर। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है, यह भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ संवैधानिक प्रावधान हम लोग पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रियों के बारे में अनुबंध, मंत्रिपरिषद सदस्यों कुल संख्या लोकसभा कुल सदस्य संख्या 15% अधिक नहीं हो सकती। 91 संविधान संशोधन 2003 इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री इसमें 15% में भी शामिल है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वो मंत्री अयोग्य हो जाता, यह भी मैंने पढ़ाया है, यह भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। आइए यहां पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है यहां पर, मैं यहां पे लिख दूं, अनुच्छेद 77, क्योंकि अभी तक मैंने इसको पूरा जिक्र नहीं किया। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें इस टॉपिक को, तो भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित आदेश अन्य लिखित ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। और अधिप्रमाणित आदेश लिखित की वैधता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी वह आदेश राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित लिखित है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा लिखा या नहीं, लेकिन सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। मतलब ये बात समझ लीजिए एक लाइन में, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। आपको पता है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे एक लाइन देख रहे, उसके बाद में बढ़ाता हूं। सदन में मंत्रियों के अधिकार, मंत्री के पास किसी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च सदन की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका सदस्य बनाया गया हो, बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का लोकसभा के प्रति होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। विधिक उत्तरदायित्व, कोई विधिक उत्तरदायित्व किसी भी मंत्री की नहीं होती। यह तीनों लाइन जिसको समझ में आ जाएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहां से परीक्षा में सवाल सीधे पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। अब जरा बताइए 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिए केवल इलेनी में दुर्गेश नोट्स में केवल वही चीज मिलते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अहम और महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम तीनों के बारे में पढ़ें तो जो पहला होता है वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है।
कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लीजिएगा, मतलब पहला जो प्रकार है ना कैबिनेट मंत्री का, ये सत्ता पार्टी या गठबंधन की पार्टी में वरिष्ठ नेता होते हैं, ये केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी होते हैं, राज्य में राज्य के लिए भी बात समझ लीजिएगा, ये शासन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जिस कारण कैबिनेट मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी होता है। ठीक, दूसरा है राज्य मंत्री, लिख लीजिएगा, राज्य मंत्री दो होते हैं, एक हो गया राज्य मंत्री, बी हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं और विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तीसरे होते हैं उपमंत्री, ये कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से जुड़े होते हैं और आमतौर पर उसी मंत्रालय में इन्हें विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है और इन्हें जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है, ऐसे ये नहीं पहुंचते हैं। मेरा एक सवाल आप सभी से, मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग इसका जवाब भी दीजिएगा, मंत्रिपरिषद, कई बार आप लोगों ने नाम सुन लिया, वो मंत्रिमंडल अंतर क्या, जरा बताइए इन दोनों में क्या अंतर है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर इन दोनों में अंतर की मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं इसमें तीन श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, जिसकी तीन श्रेणियां हैं, एक, दो और तीन। अगर मैं मंत्रिमंडल की बात करूं इसमें केवल दो कैबिनेट, मतलब इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद में तीनों होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। समझ में आ गया? अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो यह सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करते हैं, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का एक साथ नहीं बैठते और कोई सामूहिक कार्य नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की बात करें तो एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करते हैं, महीने में एक बार बैठक करते हैं, मतलब सामान्यतः, और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करते हैं, इनके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं मंत्रिमंडल के। फिर से बात करें मंत्रिपरिषद की तो मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त होती है, सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है ना, जो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है, सरकार उसके लिए कार्य करती है, तो मंत्रिमंडल जो है ना वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकार उसके लिए कार्य भी करती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद के कार्य का निर्माण करती है, कार्यों का निर्धारण करती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है ना यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है और ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी भी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो कुछ लोग नहीं जानते। मंत्रिमंडल छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है, उसी से मंत्रिपरिषद चलती है, लेकिन मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। मैंने मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है, यह मंत्रिमंडल के सभी निर्णय को लागू करती है मंत्रिपरिषद, और मंत्री
मंडल जो होता है ना, ये मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों का अनुपालन भी करवाती भी आपको काम करने हैं। अगर मैं बात करूं कि जो मंत्रिपरिषद है सुधा नहीं लिखे थे, तो जो मंत्रिपरिषद है एक संवैधानिक निकाय है जिसका विवरण 74-75 में किया गया है। इसका आकार वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री की समय और परिस्थिति में ध्यान में रखकर करता है। किसकी? मंत्रिपरिषद की। 74-75 में इसका वर्णन भी है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 352 में अगर बात किया, जैसे अनुच्छेद 352 1978 में देखा जाए, 44 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74-75 में अधिनियमित द्वारा शामिल किया गया इसका संविधान के जो मूल बातें थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों को, मतलब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, एक लाइन समझिएगा कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है, इनके कार्यों की शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे भारत में क्या हो गया कि चलते आ रहा है, अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग इंदिरा गांधी जी ने किया था, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद इसको और शक्तियां दी गई, मंत्रिमंडल को और मजबूत किया गया, मंत्रिपरिषद को और मजबूती भी मिलती है। इसके बारे में भी हम आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग इस टॉपिक पर बात करें कि संविधान में अनुच्छेद 352 1978 के 44 संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था क्या? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352 में मिलता है जाके। कब शामिल किया गया? तो 44 संविधान संशोधन से। वह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था, जो मंत्रिमंडल है ना, यह संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था, लेकिन जो मंत्रिपरिषद शब्द है यह मूल संविधान में था। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है कि प्रधानमंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, इनके कार्य शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। इनके कार्य का वर्णन नहीं किया, शक्ति का वर्णन नहीं किया गया, इनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया है। जो मंत्रिपरिषद होती है यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है ना, यह संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। तो इसी के साथ हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। बड़ा हिस्सा होता, मैंने अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं तो बड़ा होता है, 60-70 मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में ना 15-20 मंत्री होते हैं, छोटा होता, मजबूत होता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, किचन कैबिनेट कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा है किचन कैबिनेट, कितने लोग जानते हैं किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट क्या होता है बताइए? माने जो प्रधानमंत्री के कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री जिनके साथ अपनी बातें साझा करता है, जिनके सामने नियम बनाता है, जो प्रधानमंत्री के खासम खास होते हैं, उन्हें हम किचन कैबिनेट कहते हैं। इसे 15-20 मंत्री होते हैं, इसका भी प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है और राज्य में मुख्यमंत्री होता है। ये बड़े निर्णय जो होता है ना, वो किचन कैबिनेट ही लेता है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा अपने प्रभावी सहयोगी के साथ प्रत्येक समस्या पर विचार करता है। कई बार हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंत्रिमंडल की समितियां, कितने लोग जानते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां, मंत्रिमंडलीय समितियां, सभी लोग याद रखिएगा मंत्रिमंडल समितियां। मंत्रिमंडल समितियों का गठन पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार काम काज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते रहते हैं। तो इन समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल को अपना काम करने में सुविधा होती है। ये समितियां संविधानेतर है, मतलब संविधान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधित नियमावली का प्रावधान है।
अगर समिति की विशेषताओं की बात करें तो मंत्रिमंडलीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई समिति तदर्थ समिति। तो जो अस्थाई समिति अपने नाम के अनुरूप होती है, तदर्थ समिति मतलब अस्थाई होती है। कुछ विशेष समस्या को निपटाने के लिए समय समय पर तदर्थ समितियां गठित की जाती है, उनका कार्य समाप्त होने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मंत्रिमंडल समितियों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, इसलिए इनकी संख्या उनके नाम और रचना पर अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इन समितियों की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, कभी कभी गृह मंत्री वित्त मंत्री भी इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर समिति का सदस्य है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा। जो मंत्रिमंडलीय समितियां होती है ना, ये केवल मामले का निपटारा ही नहीं करती बल्कि मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव भी तैयार करती हैं और निर्णय भी लेती हैं। तो यह बात भी आपके लिए जानने योग्य और प्रमुख रूप में से एक था। मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिमंडल इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा भी कर सकता है। इनकी जो सदस्य संख्या होती है 3 से 8 तक हो सकती है, सामान्यतः इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट भी इनके सदस्य हो सकते हैं, ये बात आप लोग जानते रहिए। तो आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पूरे टॉपिक को पढ़ लिया और हमने ये कोशिश किया कि परीक्षा में आने वाले हर तथ्य हर उस पहलू को आपको अवगत कराएं। तो आप लोग इस वीडियो के जो अंत तक बने थे वे सभी कॉपी कलम के साथ शायद इसको नोट्स भी बना रहे थे और इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख रहे थे। तो आप सभी साथी इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, अपने साथियों तक पहुंचेगा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग। सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये निःशुल्क क्लासेस हमारे द्वारा आपके लिए इलर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। ये वीडियो इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब फेसबुक और ऐप पे उपलब्ध है, इसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लोग इसे अपलोड कर देते हैं जिससे इसके लोगों का सहयोग हो सके। लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहिएगा, शेयर नहीं किया शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पर इलर्निंग विद दुर्गेश पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है जाते जाते, कैबिनेट मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी इस पर कमेंट करेंगे और अपना जवाब देंगे, वीडियो को खूब लोगों तक शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो एक नंबर यहां पे दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एक लंबी क्लास चली और इस लंबे सेशन में, इस लंबे क्लास में हमने प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्री परिषद को समझा पढ़ा और हर एक पहलू को पढ़ा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी थे। उम्मीद करते हैं जो सारा कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया। क्लास में आप लोग टाइम से आया करिए, टाइम तक बने रहा करिए, क्योंकि इससे जो है सेशन के साथ साथ आपकी जो पढ़ने की मेहनत और ललक है दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के महान न्यायवादी, तो कल आप लोग पढ़ के ही तैयार रहिएगा भारत के महान न्यायवादी। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी, कोई प्रश्न है कोई सवाल है तब पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू। ठीक है, सभी का थैंक यू। सभी का थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सभी का।